गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सुरूस्केप्स। आज की वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी वीडियोस। मैंने मतलब 4 महीने बाद अभी ऐसे फेस कैम स्टार्ट किया तो थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ मैं। और आज की वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल पे। और आज की वीडियो एक फूड ब्लॉग है जिसमें कि मैं शेफ नहीं हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज का ना बर्गर कम सैंडविच कुछ है मतलब कुछ भी, तो वो आप व्लॉग में देखना कि कैसा लगता है आपको। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अभी चल रहा है कटिंग, तो अभी हम लोग क्या काट रहे हैं? लहसुन। क्या क्या लिया है वो भी बता दे जल्दी से। बड़ा वाला लाल मिर्ची, नींबू है आधा छोटा सा काट लिया हूँ, माइक्रोवेव में जल्दी से आलू को उबाल लिया हूँ एक, और एक आलू है जो बिना उबला हुआ है। अच्छा, तो ये बिना उबला हुआ क्यों और उबला हुआ क्यों? उबले हुए आलू को हम लोग मैश करेंगे, एक बाइंडिंग बनाएंगे और बिना उबला हुआ आलू डालेंगे क्या कस करके, जिससे उसमें क्रंचनेस आएगा। तो अब हम लोग कर रहे हैं आलू को मैश जो कि यूज होगा टिक्की के लिए। ये जो आलू है फर्स्ट वाला, ये हम लोग ने मतलब थोड़ा सा बॉइल किया है माइक्रोवेव में, और ये वाला आलू है जो वो कच्चा है, ठीक है। और ये सब्जियां यहाँ पे कटिंग होके रखी है, वो आपस में मिक्स करना है, पूरा अच्छे से मिक्सचर बनाना है इसका। अब ये सब हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, सिंपल टिक्की बनाना है एक आलू टिक्की। और ये थोड़ा ज्यादा अदरक थोड़ा ज्यादा डाल देना, ये गार्लिक पाउडर, और ये है गार्लिक पाउडर, और ये क्या है गरम मसाला, ये थोड़ा सा गरम मसाला आप अपने हिसाब से डाल लो, हम लोग जैसे डाल रहे हैं वैसे डाल सकते हो। ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो कि ज्यादा डालते हुए। ओके, तो ये फिर ये सब मिक्स हो रहा है। तो ये गाइस हम लोग का हो गया है मसाला रेडी। अब इसमें थोड़ा सा चावल आटा, थोड़ा सा चावल आटा राइस फ्लोर डालेंगे हम लोग, और ये है हमारे घर की डेंजर चम, और ये थोड़ा सा पानी, मतलब इसको कंसिस्टेंसी अच्छा करने के लिए हम डाल रहे हैं। और हाँ गाइस, इसमें कोई भी फैंसी बर्तन या फैंसी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी क्योंकि हम लोग बहुत रैंडम व्लॉग बना रहे हैं। और ये मैश वैश करके इसको अच्छे से टिक्की बनाएंगे। तो ये कुछ मामला गड़बड़ होते हुए रुको जरा सबर करो, ये जो डिब्बा कार बनाया गया है वो वापस से गोलाकार बनाने का ट्राई, पता था ये सब सक्सेसफुल होगा, ये देखो ये फिर से गोल शेप लेते हुए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये हमने वापस से बना ली है टिक्की को गोल, और ये हम लोग कोट कर रहे हैं उसको ब्रेड क्रम्स में, और ये हमारा ब्रेड क्रम्स ये जो है ये हमने होममेड बनाया है। अब ये डायरेक्टली जा रहा है तेल पे। ये देखो ये हो रहा है फ्राई, फ्राई, फ्राई। फिर फ्राई करना है, मतलब बहुत सही सा दिख रहा है, और आई होप कि इसका जो क्रिस्प है ऊपर मैकडॉनल्ड्स के जैसे आ जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो गाइस हम लोग ने किया क्या है ना, ये जो स्लाइस है ना इसको हम लोग ने दो लिया है, दो स्लाइस, एक फिर टिक्की फिर उसके बाद ये स्लाइस उसके ऊपर। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अगेन बर्गर बन नहीं था, तो फिर हम लोग को ये एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कुछ सॉसेस, ये क्या है इटालियन हर्ब मेयो, और आप नॉर्मल मेयो भी ले सकते हो, और ये है क्या शेजवान चटनी, और ये है चीज स्लाइस, ये है चीज स्लाइस, ये हो तो ले लो, देखो ये टिक्की धुआंधार तैयार। हाँ 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 पड़ रहा है, देखो ओ वाओ बहुत बहुत सुंदर लग रहा है यार, एकदम जैसे कि वो मैकडॉनल्ड्स में होता है ना। इसको क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं, क्या बढ़िया था गुरु। तो गाइस अगेन अब हम करेंगे प्रिपेयर ब्रेड को। ब्रेड के ऊपर सबसे पहले जाएगा मेयोनीज का लेयर, या आप अपने हिसाब से कर लें, चारों में लगाना है चिपकाएंगे इसे ना
अच्छा ये हमारे पास फेविकॉल नहीं है, इसीलिए हम लोग मेयोनीज का इस्तेमाल कर रहे हैं लेयर को चिपकाने के लिए, मतलब कुछ भी। तो ये लेयर चिपकने के लिए पहला कोट फेविकॉल का, आई मीन मेयोनीज का, और फिर ये दूसरा कोट, मतलब हम इन चारों को स्टिक करेंगे, है ना। और हाँ, हम लोग ने ना थोड़ा सा सब्जी वब्जी काटा है, जैसे कि बता रही हूँ, ये है टमाटर, ये है प्याज, ये है धनिया, और ये है थोड़े से पत्ता गोभी के पत्ते, और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ये वाला टिक्की, जो कि पूरा मस्त बन के रेडी हो गया है, एकदम मस्त। और ये है कॉर्न, ये सब डालेगा इसके ऊपर। और ये हो गया हम लोग का पिज्जा कम सैंडविच रेडी, ये रहा। अब इसको हम लोग डालेंगे माइक्रोवेव में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड में, ताकि ये, अरे यार, चीज मेल्ट हो जाए। ये गया माइक्रोवेव के अंदर। तो गाइज ये रेडी हो गया है, 2 मिनट्स के बाद हम लोग ये ब्रेड को निकाल रहे हैं। खाने जा रहे हैं, टेस्टिंग करने जा रहे हैं, मेरे से बनता है तो मैं खा के दिखाती हूँ।